गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, तो आज मैं आपको इससे जुड़ी कथा सुनाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बाजू में दी हुई घंटी को भी जरूर दबाइए, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश पुराण के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मंगल मूर्ति गणेश जी का अवतरण तिथि बताया गया है। गण प्लस पति यानी गणपति। संस्कृत कोश अनुसार गण अर्थात पवित्र, पति अर्थात स्वामी, यानी गणपति अर्थात पवित्रों के स्वामी। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की कथा क्या थी। शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में यह वर्णन है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपने मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया। शिवजी ने जब प्रवेश करना चाहा, तब बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिवगणों ने बालक के साथ भयंकर युद्ध किया, परंतु संग्राम में उसे कोई पराजित न कर सका। अंत में भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सर काट दिया। इससे माता पार्वती क्रोधित हो उठी। उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। भयभीत देवताओं ने ऋषि नारद की सलाह पर जगदम्बा स्तुति करके उन्हें शांत किया। शिवजी के निर्देशन पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव यानी हाथी के सर को काट लाए और बालक के धड़ पर रख कर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने बड़े आनंद से उस गजामुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और सारे देवी देवताओं ने अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्रपूज्य होने का वरदान भी दिया। भगवान शंकर ने बालक से कहा, गिरिजानंदन, विघ्न नाश करने में तेरा नाम सर्वोपरि होगा। तू सबका पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष हो जाए। गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर अवतरित हुआ है। इस स्थिति में तेरा व्रत रखने वालों के सभी विघ्नों का नाश हो जाए और उन्हें सब सिद्धियां प्राप्त हो जाए। वर्ष पर्यंत गणेश चतुर्थी की व्रत रखने वालों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक बटन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।